हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज विद। टुडेज आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक सेकेंडरी ग्लूकोमा, योर लास्ट टॉपिक सेकेंडरी ग्लूकोमा इन द ग्लूकोमा। देखिए, आज का आपका टॉपिक जो है ग्लूकोमा में सेकेंडरी ग्लूकोमा है और लास्ट टॉपिक आपका है। हमने इसके पहले आपको कंजेनाइटल ग्लूकोमा और एक्वायर्ड में आपका प्राइमरी ग्लूकोमा में क्लोज्ड एंगल और ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में हमने बता दिया है। तो आज आखिरी आपका ये है सेकेंडरी ग्लूकोमा के बारे में, जिसे आप लोग बढ़िया से देखिए। सेकेंडरी ग्लूकोमा आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिएगा सेकेंडरी ग्लूकोमा किसे कहते हैं। देखिए, इसमें सेकेंडरी ग्लूकोमा अकर्स ड्यू टू ए स्पेसिफिक एनामलीज और डिजीज ऑफ द आई। देखिएगा, सेकेंडरी ग्लूकोमा अकर्स ड्यू टू ए स्पेसिफिक एनामलीज, यानी सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है कैसे, ये स्पेसिफिक एनामलीज यानी ये किसी कमी से होती है, जो डिजीज़ ऑफ द आई, जो आई की डिजीज होती है, ठीक है, जो आई की डिजीज होती हैं उसी की कमी की वजह से सेकेंडरी ग्लूकोमा। चलिए अब हम चलते हैं आगे आपको लेकर के। इसके सेकेंडरी ग्लूकोमा में आपको हम सब एक ही में कंप्लीट करके बता रहे हैं। आपका देखिए सिम्टम साइन जो भी है, हम टाइप्स के हिसाब से उसी में आपको मेंटेन करके दिखा देते हैं। एटियोलॉजी में इतने टाइप्स के होते हैं, तो उस हिसाब से हम दिखा दे रहे हैं आपको। एटियोलॉजी में फर्स्ट देखिएगा, इसमें इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा उसके बारे में देखिएगा आप लोग। हाइपरटेंसिव यूवियाइटिस इज ड्यू टू डायलेशन ऑफ द यूवियल, यूवियाइटिस डायलेशन ऑफ द यूवियल ब्लड वेसल्स एंड ब्लॉकेज ऑफ द एंगल बाय प्लाज्मोइड एक्वस एंड एक्सीडेट। हाइपरटेंसिव यूवियाइटिस इज ड्यू टू डायलेशन ऑफ द यूवियल ब्लड, यानी हाइपरटेंसिव यूवियाइटिस किसकी वजह से होता है, डायलेशन ऑफ द यूवियल ब्लड वेसल्स, यानी हाइपरटेंसिव यूवियाइटिस ऐसे होता है, हाइपरटेंसिव यानी ज़्यादा मात्रा में हो, यूवियाइटिस यानी इन्फ्लामेशन किस में हो, यूवियल ट्रैक्ट में हो जाए, इज ड्यू टू डायलेशन ऑफ द यूवियल ब्लड वेसल्स। और इसमें आपका क्या हो जाता है, डायलेशन होने लगता है, ब्लड जो वेसल्स होती हैं उसमें डायलेशन होने लगता है, एंड ब्लॉकेज ऑफ द एंगल, और एंगल क्या होते हैं, ब्लॉकेज होने लगते हैं बाई प्लाज्मोइड एक्वस एंड एक्सीडेट। इसमें उस एंगल पे आकर के प्लाज्मोइड एक्वस होता है, वो आकर के चिपकने लगता है यानी बंद होने लगते हैं, तो इस तरह से आपका ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि यूवियाइटिस जब हो जाता है तो एक्वस ड्रेनेज होने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा इसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा पोस्ट इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा क्या होते हैं उसके बारे में। सेकेंड देखिएगा पोस्ट इन्फ्लामेटरी, इट अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द प्यूपिल बाय द पोस्टीरियर साइनेकिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द एट द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर बाय पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकिया। देखिए इसमें बता रहा है आपका, इट अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज, यानी ये किस वजह से होता है, ब्लॉकेज एट द प्यूपिल यानी प्यूपिल में ब्लॉकेज की वजह से होता है, बाई द पोस्टीरियर साइनेकिया यानी पोस्टीरियर साइनेकिया की वजह से, एंड ब्लॉकेज ऑफ द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, और जो एंटीरियर चैम्बर का एंगल होता है वो भी ब्लॉकेज हो जाता है बाई पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकिया, एंटीरियर साइनेकिया। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए क्या बता रहा है, इसमें पोस्टीरियर साइनेकिया और एंटीरियर साइनेकिया होता क्या है, आप लोगों को हमने अगली वीडियो में बताया भी था पोस्टीरियर साइनेकिया और एंटीरियर साइनेकिया क्या होता है। पोस्टीरियर साइनेकिया में आपका जो आयरिस है वो पीछे जाके लेंस से चिपक जाता है, और आपका एंटीरियर साइनेकिया में आयरिस जो है कार्निया से आकर के चिपक जाता है, तो उसे एंटीरियर साइनेकिया बोलते हैं। इस कंडीशन में आपका जो एंगल होता है वो क्लोज हो जाता है, तो उसे उसमें आपका पोस्ट इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं थर्ड, परफोरेशन ऑफ कार्निया क्या होता है। इसमें देखिए परफोरेशन ऑफ कार्निया में कैन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ अल्सर ट्रामा और सर्जिकल, एज ए रिजल्ट ऑफ अल्सर, एज ए रिजल्ट ऑफ अल्सर ट्रामा आर सर्जिकल वुंड्स काजिंग पेरिफेरल इंटीरियर साइनेकिया। देखिए परफोरेशन ऑफ कार्निया यानी कार्निया का जब परफोरेशन होता है उस टाइम की बात कर रहा है आपका, उसमें क्या होता है देखिएगा, इट कैन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ अल्सर, यानी इसमें आपका कार्निया का परफोरेट होता है तो ये अल्सर की वजह से होता है, ट्रामा आर सर्जिकल यानी या तो ट्रामा हो जाए या फिर सर्जरी या वुंड्स काजिंग या फिर उसमें जो वुंड्स होते हैं वो काजिंग क्या करते हैं, पेरिफेरल एंटीरियर साइनेकिया यानी एंटीरियर साइनेकिया बनाते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है, कार्निया परफोरेट कर जाता है। देखिएगा फोर्थ, मैसिव इंट्राऑक्युलर हेमरेज, इसमें क्या बता रहा है, मैसिव यानी इंट्राऑक्युलर हेमरेज जो अंदर आपके आई के हेमरेज हो जाए,
उस कंडीशन में देखिए, फर्स्ट इसके अंदर इन द इंटीरियर चैम्बर हाइफेमा फॉलोइंग ए ब्लंट इंजरी, यानी इन द इंटीरियर चैम्बर, इंटीरियर चैम्बर में हाइफेमा, यानी हाइफेमा का मतलब ब्लड जमा हो जाए, फॉलोइंग ए ब्लंट इंजरी यानी इंजरी की वजह से, इन दिस विट्रियस, इन द विट्रियस आयरिस लेंस पुश्ड फॉरवर्ड, और या तो फिर आपका विट्रियस में आयरिस और लेंस जो है किधर फॉरवर्ड, यानी विट्रियस की तरफ जो है आयरिस और लेंस जो है चले जाते हैं। इस तरह से आपका मैसिव इंट्राकुलर हेमरेज में होता है आपका ग्लूकोमा। लेंस की वजह से देखिए कैसे होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैटरेक्ट ड्यू टू रेज्ड इंट्राकुलर प्रेशर, नेक्स्ट द लेंस ब्लॉक द एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर, नेक्स्ट डिसलोकेशन ऑफ द लेंस इन द विट्रियस। देखिए इसमें बता रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन ग्लूकोमा कैटरेक्ट, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन कैटरेक्ट एट रेज्ड, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन कैटरेक्ट में भी आपका इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, और द लेंस ब्लॉक द एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर, लेंस क्या ब्लॉक कर देता है एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर, जो एंगल बनता है इंटीरियर चैम्बर का उसमें आपका इंटीरियर चैम्बर को ब्लॉक कर देता है। इसमें क्या होता है आपका लेंस स्वेलिंग हो जाता है, इसीलिए वो आगे की तरफ पुश करने लगता है, तो आपका एंगल जो है ब्लॉक होने लगता है। डिसलोकेशन ऑफ द लेंस इन द विट्रियस, या फिर आपका डिसलोकेशन हो जाए इंटीरियर चैम्बर में, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ द लेंस इन द विट्रियस, यानी विट्रियस में आपका लेंस जो पीछे की तरफ चला जाए, तब इस कंडीशन में भी ग्लूकोमा होने का चांस रहता है। हेमरेज ग्लूकोमा क्या होते हैं अगला देखिएगा, नेक्स्ट हेमरेज ग्लूकोमा, दिस टाइप ऑफ ग्लूकोमा फॉलोज थ्रम्बोसिस ऑफ सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना, यानी इसमें क्या होता है दिस टाइप ऑफ ग्लूकोमा, इस प्रकार के ग्लूकोमा में हमारा क्या होता है फॉलोज थ्रम्बोसिस, यानी इसमें क्या होता है थ्रम्बोसिस होने लगता है, यानी थक्का बनने लगता है, ब्लड का थक्का आप सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना, जो रेटिना होती है उसके सेंट्रल वेन में आपका थ्रम्बोसिस होने लगता है। इस तरह से हेमरेज होता है ग्लूकोमा का उसमें। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑपरेटिव काजेस क्या होते हैं, अफेकिक ग्लूकोमा काज पिपलरी ब्लॉकेज और विट्रियस में फिल्ड द इंटीरियर चैम्बर, और ग्लूकोमा ड्यू टू सिस्ट फॉर्मेशन इन द एसी। देखिए इसमें क्या बता रहा है अफेकिक ग्लूकोमा, यानी अफेकिक ग्लूकोमा जो होते हैं, यानी अफेकिया का मतलब आपका आपको मालूम ही होगा एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, यानी क्रिस्टलाइन लेंस जो है एब्सेंस हो तो उसे हम अफेकिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आपका ग्लूकोमा क्या करता है, ग्लूकोमा काज पिपलरी ब्लॉकेज, इसमें आपका पिपलरी ब्लॉकेज कर देता है, पिपल को ब्लॉक कर देता है, और विट्रियस में फील्ड द एंटीरियर चैम्बर, या फिर आपका विट्रियस जो है एंटीरियर चैम्बर में आकर के भर जाता है। इस तरह से आपका पोस्ट ये आपका ग्लूकोमा होने के चांस रहते हैं, ठीक है। ग्लूकोमा ड्यू टू सिस्ट फॉर्मेशन इन द एंटीरियर चैम्बर, ग्लूकोमा और किस वजह से हो सकता है, सिस्ट का फॉर्मेशन किस में होने लगे आपका एंटीरियर चैम्बर में, सिस्ट का फॉर्मेशन हो तो भी आपका ग्लूकोमा के चांसेज रहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है देखिए इसमें, ट्रीटमेंट इट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कंडीशन, द काज ऑफ द ग्लूकोमा मस्ट बी ट्रीटेड इन केस ऑफ इंट्राऑक्युलर ट्यूमर द आई रिमूव। देखिए आपका ट्रीटमेंट क्या बता रहा है, इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कंडीशन, यानी ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, द काज ऑफ द ग्लूकोमा यानी ग्लूकोमा के जो काजेज होते हैं मस्ट बी ट्रीटेड, यानी अगर जिस हिसाब से काजेज हों उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं, इन केस ऑफ इंट्राऑक्युलर ट्यूमर यानी कि इंट्राऑक्युलर ट्यूमर हो, आई में अगर ट्यूमर हो तो द आई रिमूव, यानी उसमें हम क्या करेंगे आई को पूरा निकाल देंगे बाहर, ठीक है। इस तरह से हम सेकेंडरी ग्लूकोमा को ट्रीट करते हैं, यानी उसके काजेस के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज आप लोगों के सामने हम पूरा कंप्लीट करा दें, इसको चार पार्ट में हमने ग्लूकोमा को कंप्लीट कराया है, तो ज़रूर आप लोग जो है पार्ट थ्री, पार्ट वन, पार्ट टू देखिएगा, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आएगा ग्लूकोमा। बस मात्र आपको चार पार्ट हैं, जो चार पार्ट आपको एक घंटे का में आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बढ़िया से देखेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, थैंक यू।